नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा सेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक ऐसे पहलू को टच करने का प्रयास किया गया है जिसके बारे में चर्चा बहुत कम होती है। मामला है कि बांग्लादेशी ग्रामीणों के हमले में हमारे दो जवान BSF के वो हो चुके हैं घायल। इसको पढ़ने के बाद आपके मन में स्वतः ही गुस्से का भाव उत्पन्न हुआ होगा कि हमारे देश के जवान दिन रात जागने के बाद विषम परिस्थितियों में हमारी सुरक्षा करते हैं, और उनके ऊपर अब बांग्लादेश जैसा जो देश है, जिसको कि हमने ही 1971 में आज़ाद कराकर एक देश बनाया था, उसके लोग हमारे जो जवान हैं उनके ऊपर हमले क्यों करते हैं, क्यों कर रहे हैं, या फिर क्या ऐसा कारण है कि हमारे जो जवान हैं उन्होंने बदले की कार्यवाही नहीं की। विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और अगर चैनल पर नए हैं तो परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो न्यूज़ कुछ इस प्रकार से आप पढ़ते हैं, 2 BSF जवान्स इंजर्ड इन अटैक बाई बांग्लादेशी विलेजर्स अलोंग इंटरनेशनल बॉर्डर इन वेस्ट बंगाल। मतलब पश्चिम बंगाल जो भारत का एक राज्य है, उससे जुड़ा हुआ जो बांग्लादेश का बॉर्डर है उसके ऊपर जो ग्रामीण हैं। अब जो बात लगातार बोली जाती है, बांग्लादेशी विलेजर्स, बार बार ग्रामीण की बात हो रही है, विलेजर्स की बात हो रही है, लेकिन आज इस सेशन को आप अंत तक जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आखिर का असल में ये जो जिनको विलेजर्स बोला जा रहा है, ये विलेजर्स ना होकर ये क्या हैं। फिलहाल खबर पर ध्यान देते हुए आगे बात करते हैं। तो 2 BSF जवान्स अटैक्ड वेपन्स स्नैच्ड बाई बांग्लादेशी विलेजर्स, कि उनके द्वारा जो इनके हथियार थे वो भी छीन लिए गए थे, इस प्रकार की घटना हुई। तो मन में एक डाउट आएगा कि क्या हमारे जवान जो हैं वो इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि उनके हथियार तक छीन लिए गए। तो ये जो बात है ये रिलेट करती है कहीं ना कहीं हमारे जो भारत की सेना है उसके अनुशासन से। तो आपको अपनी सेना के ऊपर यहाँ गर्व की अनुभूति होनी चाहिए कि आपके देश की सेना जो है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा अनुशासित सेना, आप इसको बोल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अनुशासित सुसंगठित सेना है, जो कि कहें कि जो लोकल लोग रहते हैं, जो कि इनोसेंट लोग हैं, उनसे किसी प्रकार का गलत व्यवहार नहीं किया जाता। और दूसरी जो बात यहाँ हमें ध्यान रखने को आती है वो है रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसके अंदर इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं वो कैसे हैं, इनकी चर्चा की जाए तो वो हैं काफ़ी मित्रवत व्यवहार हम दोनों देशों के द्वारा शेयर किए जाते हैं। तो उस मित्रवत व्यवहार जो है हमारा वो बना रहे किसी दो चार लोगों के चक्कर में, या कहें दो चार लोगों के चलते वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और बांग्लादेश के जो संबंध हैं उन पर किसी प्रकार की आँच ना आए, इस भावना का निर्वहन करते हुए इनके द्वारा ये प्रयास किया गया। मैप पर अगर देखें तो बांग्लादेश जो है आप यहाँ देखते हैं, ये है बांग्लादेश, जिसको कि पूर्वोत्तर के राज्य हमारे हैं, इनसे कनेक्टिविटी मिलती है, और साथ ही एक साइड में पश्चिम बंगाल जो राज्य है इससे इस हमें कनेक्टिविटी मिलती है। आगे अगर बात करें तो कुछ इस प्रकार से आप हमारी सेना को देखते हैं। इन तस्वीरों को देखते हुए आपके मन में सब बातें जो है पुनर्जागृत हो गई होंगी कि किस प्रकार से विषम परिस्थितियों में, जहाँ पर लोग नहीं रहते हैं, कहें कि इतनी विकट परिस्थितियाँ हैं, उसके बावजूद भारत के जो सैनिक हैं सभी सीमित संसाधनों के साथ देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं, किस प्रकार से लगे हुए हैं। और बात जो होगी आज वो होगी BSF की। BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या है? तो ये जो BSF है, या कहें कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इसको बोला जाता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत की, उनके जस्ट आगे सबसे पहली लाइन के अंदर ये लोग हैं जो कि भारत की रक्षा करते हैं, इसीलिए इनको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोला जाता है। चर्चा होगी BSF की, जो कि रक्षा मंत्रालय के अधीन नहीं आती है, बल्कि ये आती है गृह मंत्रालय के अधीन। गृह मंत्रालय के अधीन जो है इसको आती है ये BSF जो है। BSF की आज हम करेंगे चर्चा की, क्योंकि BSF के जो जवान हैं उन्हीं के ऊपर हुआ है ये हमला। इंटरनेशनल बॉर्डर पर भारतीय किसानों की सुरक्षा में ड्यूटी कर रहे BSF जवानों पर 100 से ज़्यादा बांग्लादेशी ग्रामीण और बदमाशों ने हमला कर दिया। इस हमले में दो जवान गंभीर रूप से घायल हो गए, इनके सिर पर गंभीर चोटें आई हैं, जवानों के हथियार भी छीन लिए गए। BSF के मुताबिक घटना रविवार को बंगाल फ्रंटियर के बहरामपुर सेक्टर में बनी निर्मलचर पोस्ट 35 बटालियन के इलाके में हुई है। अब ये निर्मलचर पोस्ट कहाँ है, तो इस मैप को अगर हम जूम करते हैं इंडिया के मैप को, तो यहाँ आपको बांग्लादेश बॉर्डर से दिखाई देता है एक जिला जिसका नाम है मुर्शिदाबाद, जो कि है पश्चिम बंगाल के अंदर। इसी में यहाँ आपको जगह दिखाई देती है जिसके अंदर ये हमला किया गया है, जिसका नाम आपने देखा अभी, जिसका नाम है निर्मलचर जगह जो है वो कहाँ है, उम्मीद है आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। 26 फरवरी की ये घटना है, ये जो खबर निकल कर आती है इस प्रकार से, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है BSF उसी के द्वारा ये जानकारी दी गई। अब दूसरी खबर आप
तुरंत पढ़िए कि जो 26 फरवरी की खबर हमने अभी पढ़ी, एक तरफ की हमारे जवानों के ऊपर हमला बोला गया, और दूसरी जो खबर आप पढ़ते हैं वो है सोना आपको यहाँ दिखाई देता है, ये है गोल्ड। और ये कैसा गोल्ड है? ये वो गोल्ड है जो कि अवैध रूप से स्मगल करके स्मगलिंग के माध्यम से भारत के अंदर प्रवेश कराने का प्रयास किया जा रहा था। उम्मीद है पूरा का पूरा मामला क्या है, किससे रिलेटेड है, तो सेंटर के अंदर जो बात जाती है हमारी फिलहाल वो मुद्दा आ जाता है अब स्मगलिंग का। स्मगलिंग जो है वो असल में मेन मुद्दा है इस हमले के पीछे, और हमें आज यही समझना है कि ये स्मगलिंग किस प्रकार से की जाती है, किन किन चीज़ों की जाती है, और कितना बड़ा चैलेंज है ये हमारे भारत की आंतरिक सुरक्षा यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑन द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जवान्स ऑफ बीओपी इन्होंने जो है ये लगभग काफ़ी 93,74,964 रुपये इसकी कीमत थी जिसको कि पकड़ा था इन्होंने गोल्ड को जो कि स्मगल करके लाया गया था। असल में ये स्मगल्ड जो चीज़ें होती हैं उनका महत्व तो क्या होता है, सोना जो है भारत के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, गोल्ड आप चाहें तो खरीद सकते हैं, लेकिन गोल्ड की जो कीमत है इंडिया के अंदर वो है बहुत ही ज़्यादा। एग्जाम्पल के तौर पर, क्योंकि फिलहाल जो है क्या गोल्ड की कीमत है उसकी जानकारी ना होने के कारण एक उदाहरण लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें कि 1 ग्राम या फिर कहें कि 10 ग्राम सोना जो है उसकी कीमत फिलहाल 1,00,000 रुपया हम मान लेते हैं कि 1,00,000 रुपया उसकी कीमत है, तो इस 1,00,000 रुपया जो फिलहाल इसकी कीमत है इसके अंदर गवर्नमेंट के जुड़े होते हैं टैक्स, सरकार के जो टैक्स हैं वो इसके अंदर जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसकी कीमत है 1,00,000। लेकिन यदि आपको सोना बिना टैक्स के मिल जाए, जिसके ऊपर सरकार ने टैक्स ना लिया हो, तो उसी चीज़ को जिसके ऊपर टैक्स नहीं दिया जाता है, अवैध रूप से बेचा या खरीदा जाता है, उसी को बोला जाता है स्मगलिंग। अब स्मगलिंग जो है सोने की यदि होती है तो सरकार का टैक्स इसमें नहीं दिया जाएगा, बल्कि तो इसकी जो कीमत है वो 1,00,000 रुपये का 10 ग्राम यदि मिलता है उदाहरण के तौर पर, तो इसकी कीमत जो है लगभग 50,000 रुपये तक की हो जाएगी, क्योंकि बड़ी मात्रा में इन चीज़ों पर टैक्स वसूला जाता है सरकार के द्वारा। इतना टैक्स क्यों वसूला जाता है? क्योंकि सोना जो है, गोल्ड जो है, वो कोई आवश्यक वस्तु नहीं है, आवश्यक वस्तु ना होने के कारण इसके ऊपर सरकार ने लगाया है ज़्यादा टैक्स, कि जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वही इसको खरीद सकता है, या आपके पास फालतू पैसा है तब आप इसको खरीद सकते हैं, या फिर ज़्यादा ही ज़रूरत है आपको तब आप इसको खरीद सकते हैं। इसी वजह से इनको लग्जरी आइटम्स बोला जाता है, लग्जरी आइटम्स पर गवर्नमेंट की जो टैक्सेशन है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा होता है। तो जो सोना है स्मगलिंग के माध्यम से यदि आपको मिलता है तो वो आधे दामों तक आपको उपलब्ध हो जाएगा। उम्मीद है स्मगलिंग का क्या है कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से समझ में आया हो, इसीलिए जो स्मगल्ड गुड्स हैं वो लगातार हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ एक और मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं, क्योंकि जब बात यदि होती है स्मगलिंग की तो भारत को जो थ्रेट्स हैं, भारत को जो चुनौतियाँ हैं वो किधर किधर से देखने को मिलती हैं। तो भारत जो है, यहाँ आप देखते हैं ये है भारत, भारत के यदि आप ईस्ट की ओर चलते हैं, पूरब की ओर चलते हैं, तो आपको 3 देश दिखाई देते हैं, एक है म्यांमार, एक है लाओस और एक है थाईलैंड। वियतनाम को फिलहाल छोड़ देते हैं, क्योंकि जो म्यांमार, लाओस और थाईलैंड जो देश हैं इन तीनों को मिलकर बनता है एक गोल्डन ट्राइंगल। ये गोल्डन ट्रायंगल है क्या? तो बड़ी मात्रा में जो स्मगलिंग की चीजें हैं, कहीं की जो नशे की जो चीजें हैं, उनकी तस्करी यहां पर बड़ी मात्रा में होती है। ये तो हमने समझ लिया भारत के ईस्ट में क्या हालात हैं, और चलते हैं दूसरी तरफ हालात जो कि है ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। इसको बोला जाता है गोल्डन क्रेसेंट। तो गोल्डन क्रेसेंट जो है इसके ये जाना जाता है सबसे ज़्यादा हीरोइन के लिए। हीरोइन फिल्मों में जो काम करती हैं वो हीरोइन नहीं, बल्कि जो नशीला पदार्थ होता है हीरोइन, उसकी वहाँ चर्चा हो रही है। तो पूरी दुनिया के अंदर जो हीरोइन का सबसे बड़ा जो उत्पादक या फिर कहें कि सबसे बड़ा जो सप्लाई करने वाला देश है, या कहें जो ग्रुप है, उसी को गोल्डन क्रेसेंट बोला जाता है। तो गोल्डन क्रेसेंट के अंदर ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, और भारत जो है फिलहाल बांग्लादेश के अंदर। अभी तक हमने बांग्लादेश का नाम यहाँ पर नहीं देखा था, लेकिन जो हमने न्यूज़ फिलहाल देखी कि गोल्ड की स्मगलिंग हो रही है, तो ये जो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियाँ देने का प्रयास किया जा रहा है स्मगलिंग के माध्यम से देशों के द्वारा, उसकी आँच भारत के ऊपर अब आनी शुरू हो चुकी है। बांग्लादेश जो है वो नया उदाहरण है। पूरी दुनिया के अंदर भारत के अंदर जो स्मगलिंग के सामान को पहुँचाने की जो योजनाएं हैं वो विस्तार पूर्वक है। मन में एक सवाल आ सकता है कि क्यों भारत के अंदर ये स्मगलिंग की चीज़ें पहुंच रही हैं, क्योंकि भारत के अंदर पहले से ही सारे संसाधन मौजूद हैं, तो क्यों ये स्मगलिंग की चीज़ें पहुंचती हैं? तो यहाँ जो चीज़ आती है वो है भारत के लोगों की जो खरीदने की क्षमता है। खरीदने की क्षमता कैसे? जो परचेजिंग पावर है वो दुनिया के अंदर तीसरे नंबर पर हम आते हैं परचेजिंग पावर के नाम पर, कि हमारी जो क्षमता है चीज़ों को खरीदने की वो दुनिया में तीसरे नंबर पर हम ऐसे लोग हैं जिनकी सबसे ज़्यादा
खरीदने की क्षमता है। हमारी जो पॉपुलेशन है आने वाले समय में, लोग कहते हैं कि 2025 तक हमारी जो पॉपुलेशन है वो चाइना को छोड़कर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश हमारा हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि 2023 के अंदर ही हम सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले देश हो चुके हैं, बस पेपर्स के ऊपर ये अभी पुख्ता जानकारी नहीं आई है। तो हमारी जो परचेजिंग पावर ज़्यादा है, हमारी जो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, हम हैं एक पूरी दुनिया के लिए ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट के अंदर यदि हमारे पास टैक्स लगाकर चीज़ें आती हैं, ख़राब चीज़ें आती हैं, अच्छी चीज़ें आती हैं, सही चीज़ें आती हैं, गलत चीज़ें आती हैं, नशीली चीज़ें आती हैं, स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें आती हैं, चाहे कुछ भी हमारे देश के अंदर आता है, लोग उसको ख़रीदने के लिए तैयार हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर डिमांड है। इसीलिए ये स्मगलिंग का जो मार्केट है वो दिखाई देता है स्मगलर्स के लिए काफ़ी ब्राइट इंडिया के अंदर। इसके बाद आप खबर पढ़ते हैं कि नॉर्थ ईस्ट स्टिल गोल्ड स्मगलिंग कॉरिडोर फॉर स्मगलर्स। जो नॉर्थ ईस्ट है भारत का नॉर्थ ईस्ट कौन सा, तो जो पूर्वोत्तर के हम राज्य देखते हैं, ये जो राज्य हैं पूर्वोत्तर के, भारत के मैप पर एक बार वापस चलकर देखते हैं, ये जो राज्य हैं ये वाले सातों के सातों, जिनको सेवन सिस्टर्स के नाम से हम जानते हैं, ये जो है स्मगलिंग का हब बनते जा रहे हैं। अब इसको नॉर्थ ईस्ट क्यों बोलते हैं, तो यहाँ पर जो बीच में सतपुड़ा और विंध्याचल रेंज में जो है भारत के अंदर, उसी से डिवीज़न किया गया है कि भारत जो है ऊपर नीचे उत्तर दक्षिण, ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे की तरफ दक्षिण होता है। तो उत्तर भारत जो है इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के ऊपर वाले भारत को उत्तर भारत बोलते हैं, नीचे वाले को दक्षिण भारत बोलते हैं, इधर वाले को ईस्ट बोलते हैं। और कंपेरेटिवली ये जो एरिया है वो इन पर्वत श्रृंखलाओं से थोड़ा सा ऊपर उत्तर और ईस्ट की ओर आता है, इसीलिए इन्हें नॉर्थ ईस्ट के राज्य बोला जाता है। उम्मीद है यहाँ तक नॉर्थ ईस्ट का जो कॉन्सेप्ट है आपको पूरी तरह समझ में आया हो। तो जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वो बन चुके हैं स्मगलिंग का कॉरिडोर बनाने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है। आगे आप खबर देखते हैं, गोल्ड स्मगलिंग ऑन द राइज अलोंग इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। मतलब जो टोटल चर्चा होती है वो होती है स्मगलिंग की। नेक्सस ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट्स एंड ड्रग ट्रैफिकर्स। अब जो स्मगलिंग होती है वो होती है ड्रग्स की, नशीला जो ड्रग्स है उनकी स्मगलिंग होती है। स्प्रेडिंग नार्को टेररिज्म की, भारत के अंदर नार्को टेररिज्म जो है वो स्प्रेड फैलाने का प्रयास किया जाता है। ये जो है असम पुलिस के द्वारा जानकारी निकल कर आई थी। कैटल स्मगलर्स, मतलब जो पशु होते हैं, जो गाय है, भैंस है, उनकी स्मगलिंग तक की जाती है। और किस किस चीज़ों की स्मगलिंग की जाती है, तो आप देख सकते हैं यहाँ जो जानकारी साझा की गई थी PIB यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा, जो कि सरकारी एक संस्था है, उसके द्वारा जो जानकारी साझा की गई थी, तो 168,801 पशु जो हैं वो 2016 में सीज किए गए थे। उसके बाद 119,299 17 में, फिर 18 का खबर देखते हैं, 2020 में 46,809। ये खबर आंकड़े क्यों घटे हैं, क्योंकि एरिया के अंदर कर दी गई है फेंसिंग करने के बाद इनकी संख्या में लगातार गिरावट देखने को हमें मिलती है। आगे अगर बात करें तो स्मगलिंग ऑफ हेयर टू चाइना, मतलब जो बाल हैं लोगों के उन तक की स्मगलिंग चाइना और बांग्लादेश के थ्रू होती है, नॉर्थ ईस्ट के थ्रू की जाती है। मतलब बांग्लादेश से बड़ी मात्रा में स्मगलिंग होती है और वो भारत के थ्रू कराने का प्रयास किया जाता है। तस्करी वाली क्या क्या चीज़ें हैं, याबा टैबलेट है जो पार्टी या भूल भुलैया ड्रग्स को बोला जाता है, फेंसेडिल और कफ सिरप है, हथियार, ब्राउन शुगर, हेरोइन गांजा गोल्ड गाय, इन सारी चीज़ों की स्मगलिंग जो है वो की जाती है। BSF नाव है यूनिफॉर्म। अब जो एक फैसला लिया गया था, वो लिया गया था 2021 के अंदर। 2021 के अंदर जो BSF के जवान हुआ करते थे, हम इसको जानते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नाम से, यानी कि ये एक ऐसी फोर्स है जो कि बॉर्डर के एरियाज़ के अंदर सहायता करती है, या फिर कहें कि बॉर्डर को सिक्योर करने का इसका काम है। लेकिन सरकार के द्वारा इनका जो एरिया था वो बढ़ा दिया गया था 50 किलोमीटर तक का, कि यदि भारत और किसी भी देश का बॉर्डर है, यदि एक तरफ हम इंडिया देखते हैं, इधर नीचे की तरफ यदि इंडिया है, तो जो BSF है, BSF के जवान जो हैं वो अब 50 किलोमीटर के एरिया तक किसी की भी तलाशी ले सकते हैं। अब ये तलाशी लेने के लिए कई राज्यों के द्वारा विरोध किया गया था कि ये शायद केंद्र सरकार हमारे राज्यों के ऊपर अतिक्रमण करना चाहती है, या फिर हमारे जो राज्यों के अधिकार हैं उनके अंदर अतिक्रमण या उनको छीनने का प्रयास केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था, ये सिर्फ इसीलिए था कि जो पुलवामा अटैक जो हुआ था उसके जैसी घटनाएं जो हैं वो दोहराई ना जाएं, कि यदि BSF के यदि किसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति, या कहें कि कोई आतंकी या कोई असामाजिक तत्व जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके किसी भी प्रकार से यदि अंदर आ भी जाता है, तो अंदर आने के बाद जो जिम्मेदारी हो जाती है वो हो जाती है संबंधित राज्य की पुलिस की। संबंधित राज्य की पुलिस जो है उसका काम होता है फिर इनको पकड़ना। लेकिन संबंधित राज्य की पुलिस जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर पहले से ही काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहती है, उनके पास खुद टाइम नहीं होता। इसीलिए अब BSF को जो मौका दिया गया है कि 50 किलोमीटर तक आप किसी की भी तलाशी ले सकते हैं, तो आने वाले समय में जो घटनाएं हैं और हमें
लगातार जो आतंकी घटनाएं हैं उनके अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि वो 50 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है वो बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में आ चुका है। उम्मीद है आपको समझ में आया हो सीमा सुरक्षा बल क्या है। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 1965 में बीएसएफ का गठन किया गया था। यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत के 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है, मतलब गृह मंत्रालय के अधीन यह आता है। अन्य केंद्रीय बल कौन कौन से हैं, तो असम राइफल्स, भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत पुलिस फोर्स बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी बोलते हैं इसको, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नाम से इनको जाना जाता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं पर 2.65 लाख भारतीय सैनिक तैनात रहते हैं। यह भारतीय सेना के साथ साथ पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा, नियंत्रण रेखा एलओसी और नक्सल विरोधी अभियानों में तैनात रहते हैं। इनमें एक एयर विंग है, मरीन विंग है, आर्टिलरी रेजिमेंट और कमांडो यूनिट है। बीएसएफ अरब सागर में सर क्रीक गुजरात के अंदर एक एरिया है, इसका एक सेशन हमने कवर किया था आपके साथ। गुजरात के अंदर कितनी विषम परिस्थितियों में नमकीन पानी के अंदर, खारे पानी के अंदर हमारे बीएसएफ के जवानों के द्वारा नंगे पैर वहाँ पर पेट्रोलिंग की जाती है, तो बड़ी चुनौतियों में काम करते हैं सर क्रीक से लेकर। और जो बांग्लादेश और भारत का जो सबसे बड़ा बॉर्डर है, दो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, भारत यदि किसी देश के साथ सबसे बड़ा साझा करता है तो बांग्लादेश के साथ ही साझा करता है, तो पूरे बांग्लादेश वाले बॉर्डर की जिम्मेदारी जो है वो भी बीएसएफ के पास ही है। भारत और पाकिस्तान युद्ध के बाद 1 दिसंबर 1965 को इसका गठन किया गया था। बीएसएफ में एनडीआरएफ की 3 बटालियन को मिलाकर कुल 192 बटालियन है। एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, अब ये एनडीआरएफ की जो टीम है फिलहाल तुर्की में गई हुई थी, अपने जो इनके द्वारा राहत बचाव कार्य किए गए तुर्की के अंदर उससे काफ़ी इनको प्रशंसा मिली और ये भारत की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा सकता है। 12 सीमावर्ती राज्यों असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, ये सारे के सारे राज्यों के अंदर बीएसएफ जो है वो तैनात है। भारत किन किन देशों के साथ अपनी सीमाएँ साझा करता है, तो ये आपने जो है ज्योग्राफी के अंदर कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा। इंडियन पॉलिटी वगैरह के अंदर बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान के साथ भारत जो है सीमाएं साझा करता है। कितनी कितनी करता है आप इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं। अब आते हैं अपने मूल मुद्दे पर। उम्मीद है आपको इस मूल मुद्दे का जो अर्थ है या कहें कि जो इसका भावार्थ है पूरा वो आपको समझ में आ गया होगा कि असल में जिनको ग्रामीण बताया जाता है वो ग्रामीण ना होकर कहीं ना कहीं स्मगलिंग के अंदर जुड़े हुए होंगे, स्मगलिंग में वो लोग जुड़े हुए होंगे और जब भारत की सेनाओं ने विरोध किया होगा स्मगलिंग का तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा नुकसान पहुँचाया गया है हमारी सेना के जवानों को। मवेशियों को भारतीय सीमा में छोड़ देते हैं बांग्लादेशी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में आने वाला यह क्षेत्र बांग्लादेश की सीमा से लगता है। निर्बलचर गांव जो है उसके लोगों का आरोप है कि बांग्लादेशी किसान फसलों को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने मवेशियों को जानबूझकर हमारे खेतों में छोड़ देते हैं। वे इसी बहाने भारतीय सीमा में भी अवैध तरीके से आ जाते हैं। शिकायत पर उनकी सिक्योरिटी के लिए बीएसएफ ने यहाँ अस्थायी चौकियाँ बनाई हुई हैं, क्योंकि भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर की तरह नहीं है। यहाँ पर जो लोग हैं वो पहले से ही काफ़ी घनी आबादी वाला क्षेत्र है और घर जो हैं भारत और बांग्लादेश के अंदर काफ़ी पास पास में देखने को मिलते हैं। ग्रामीणों के खेत जो हैं, खेत की मेड़ टाइप के ही कुछ खेत बने हुए हैं, इस प्रकार का यहाँ पर बॉर्डर है। काफ़ी मित्रवत व्यवहार दोनों देशों के हैं, इसीलिए इस प्रकार की घटनाएँ यहाँ पर होती हैं। फेंसिंग वगैरह पूरी तरह से नहीं हुई है, क्योंकि 1905 के अंदर जो बांग्लादेश है वर्तमान में वो पूरा का पूरा संयुक्त बंगाल प्रांत हुआ करता था। 1905 में इसका जो है विभाजन किया गया था और विभाजन होने के बाद से वो एक फिर 1947 के अंदर जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो जो पूर्वी बंगाल हुआ करता था पूर्वी बंगाल को दे दिया गया था पाकिस्तान को, उसको जो है पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाने लगा था। 1971 में भारत ने इसको आज़ाद करा दिया था पाकिस्तान से, फिर ये तब से लेकर अब तक ये एक अलग देश के रूप में अपनी पहचान बनाकर खड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में अपने मवेशियों को चराने के लिए भारत में घुसे बांग्लादेशी किसानों ने रविवार को बीएसएफ के 2 जवानों पर हमला कर दिया और कथित रूप से उनके हथियार भी छीन लिए। बीएसएफ की ओर से जारी एक बयान में जानकारी ये दी गई है। घटना जो है वो कहाँ की है, किस प्रकार है, मैप के माध्यम से हमने सारी की सारी जानकारी ले ली थी। निर्मलचर नाम की ये जगह है जहाँ पर ये हुई थी। मीटिंग्स वगैरह होती रहती हैं, इसके लिए मीटिंग बुलाई गई थी। बताया गया कि किस प्रकार से इन घटनाओं को रोका जा सके। स्मगलर्स अटैक बीएसएफ जवान एट बांग्लादेश बॉर्डर इन वेस्ट बंगाल, मतलब अब जो आप तमाम खबरें देखने वाले हैं ये 17 जनवरी की आप खबर देखते हैं तो भारत के जो सेना है, भारत की सेना के ऊपर या कहें बीएसएफ के जवानों के ऊपर जो स्मगलर्स हैं उनके द्वारा ये अटैक कोई पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि इस प्रकार के अटैक्स लगातार होते रहते हैं। आपने एक खबर ये देखी, आप दूसरी खबर यहाँ देखते हैं, वेस्ट बंगाल बीएसएफ जवान गन्स डाउन बांग्लादेश कैटल। इस तरह की जो झड़पें हैं वो तमाम आपको देखने को मिलती हैं। अवैध गतिविधियों में सफलता नहीं मिलने से जवानों पर हमला करते हैं ये बदमाश।
घटना की जानकारी देते हुए एक व्यक्ति ने बताया, जब तस्करों और अपराधियों आपराधिक मंशा वाले लोगों को सीमा पार अपनी अवैध गतिविधियों में सफलता नहीं मिलती है तो वे जवानों पर हमला कर देते हैं। बीएसएफ जवानों पर पहले भी कई बार सुनियोजित तरीके से बदमाशों ने और उनके साथियों ने हमला किया है, लेकिन फिर भी हमारे जवान ऐसे बदमाशों से निपटने में कामयाब रहते हैं। हालांकि जो वेपन्स हैं, गोली वगैरह है, उसका उपयोग बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ नहीं किया जाता है। 23 फरवरी को एक हुई थी फ्लैग मीटिंग, उसके बाद भी ये घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। बीएसएफ मतलब कमांडर लेवल की जो मीटिंग थी उसकी आपने खबर देखी 20 जनवरी की, मतलब लगातार मीटिंग्स वगैरह जो हैं होती रहती हैं। मित्रवत व्यवहार कैसे हैं, तो इन सारी घटनाओं के होते हुए भी आप देखते हैं यहाँ की भारत और बांग्लादेश की जो सेना है, बांग्लादेश की जो फौज है, जिसको कि बी बांग्लादेश गार्ड बोलते हैं, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड जो हैं उनके साथ जो मैच वगैरह हुए थे उसकी जानकारी जो है सोशल मीडिया से उपलब्ध हुई। तो इस प्रकार के आयोजन जो हैं दोनों देशों की सेनाओं के बीच में, जिससे कि मित्रवत व्यवहार दोनों देशों के अंदर पनपते रहें, बने रहें, किसी भी प्रकार का झगड़ा ना हो, क्योंकि हमारे काफ़ी पड़ोसी ऐसे हैं जिनसे हमारे बॉर्डर सुरक्षित नहीं है। एक चाइना हो गया, एक पाकिस्तान हो गया, ऐसे में यदि हम बांग्लादेश को भी अपना दुश्मन बना लेते हैं तो चीन और पाकिस्तान कहीं ना कहीं इसका फायदा उठाने का प्रयास जरूर करेंगे कि भारत के अंदर जो गतिविधियां हैं उनको और बढ़ाया जाए, कि उनके यहां से बांग्लादेश, और भारत बिल्कुल नहीं चाहेगा कि बांग्लादेश की तरफ से भी आतंकी गतिविधियां भारत के अंदर शुरू हो जाएं, क्योंकि हम पहले से ही चीन और पाकिस्तान से घिरे हुए हैं। ड्रग्स स्मगलिंग वाच रैप, मतलब यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, फिलहाल इलेक्शंस आने वाले हैं, तो इलेक्शंस आने के बाद ये सारी राजनीतिक घटनाएं के रूप में जानी जा सकती है। इनके द्वारा ये स्वीकार किया गया कि त्रिपुरा को ड्रग्स कॉरिडोर बना दिया गया है। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो कि तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा, तो उसको जो है ड्रग कॉरिडोर बना दिया है। असम, म्यांमार और मिजोरम के रास्ते यहाँ से बांग्लादेश तस्करी की जाती थी। यहाँ गांजा उगाकर बांग्लादेश के रास्ते तस्करी की जाती है। मैं सीएम बना तो ये जानकर चौंक गया कि ड्रग कार्टेल ने त्रिपुरा को बांग्लादेश म्यांमार से होने वाली तस्करी के लिए एक सुरक्षित कॉरिडोर में बदल दिया है। ये जानकारी जो है इनके द्वारा दी गई कि जब इन्होंने सत्ता संभाली थी, क्योंकि अब फिलहाल त्रिपुरा के अंदर चुनाव होने वाले हैं, 4 राज्य हैं पूर्वोत्तर के जिनके अंदर फिलहाल चुनाव होने हैं। 27 किलोमीटर के इलाके में ये सारा खेल चल रहा है। त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ 856 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करता है। 839 किलोमीटर के इलाके में फेंसिंग यानी कि लोहे के कटीले तारों की दीवार बन चुकी है, लेकिन 27 किलोमीटर का इलाका वैसे ही है जैसे एक खेत से दूसरे खेत के बीच मेड़ पर लगा हुआ होता है। यहाँ आप देखते हैं कि यहाँ तो फेंसिंग आपको देखने को मिलती है कि तार लगा दिए गए हैं, लेकिन कुछ एरिया यहाँ से आगे का जो एरिया है यहाँ पर अभी तार नहीं लगे हुए हैं। तो मतलब बॉर्डर जो है सिर्फ खेत की मेड़ जैसा बटा हुआ है, जैसे खेत के अंदर मेड़ होती है उसी प्रकार से बॉर्डर बटा हुआ है, इसी का फायदा उठाया जाता है। और जो नियम है क्या है, बंदूक चलाने का आदेश नहीं है। हमारे जो बीएसएफ के जवान हैं उनको बंदूक चलाने का आदेश नहीं है। अब आप कितने महान हमारी जो सेना है उसको देख सकते हैं कि खुद घायल हो गए, चोटिल हो गए, चाहते तो बंदूक उठाकर पूरे के पूरे गांव को ख़त्म कर सकते थे ये लोग। एक जवान भारत का 100 आम आदमियों पर भारी पड़ सकता है, ऐसी एक काबिलियत रखने वाला जवान घायल हो गया तो क्या महानता है हमारे सेना के जवानों की। इनको सच में सत सत नमन होना चाहिए, इनको सच में सम्मान होना चाहिए, जो कि भारत के रिश्तों के चलते या फिर कहें कि अपने जो अनुशासन है उसके चलते हथियार उठाने पर यदि पाबंदी है तो खुद चोट खा ली लेकिन हथियार नहीं उठाया। अब आप देखते हैं कि बंदूक चलाने का आदेश इनको नहीं है, डंडा फेंक कर ये मारते हैं। मैं सिपाही से तस्करी के बारे में पूछती हूँ, जवाब मिलता है। ये जो एक बात हुई है पत्रकार की, उनके द्वारा ये बात बताई गई है, हाँ वो लोग भागकर बॉर्डर पार कर लेते हैं, हमें बंदूक चलाने का अधिकार नहीं है। ये जवाब जो है एक सिपाही के द्वारा दिया गया, डंडा फेंक कर मारते हैं या फिर भागकर पकड़ते हैं। पूछा गया बाद में कि आपके सामने निकल जाते हैं तो वो निराशा से कहते हैं, मैडम हम यहाँ 2 लोग हैं, कभी चौकी पर बुला लिया जाता है, अकेले जवान को देखकर गांव के कई लोग बहाने से घेर लेते हैं, गाय भैंस खोने का बहाना करते हैं, इसी बीच तस्कर निकल जाता है। मतलब बीएसएफ के जवानों की 2-2 करके ड्यूटी लगाई जाती है पूरे बॉर्डर एरियाज में, एक जगह जो है ग्रामीणों के द्वारा इनको किसी अन्य काम में उलझा दिया जाता है, ऐसी स्थिति में दूसरी तरफ से स्मगलर जो हैं वो अपना काम करने में निकल जाते हैं। इस प्रकार से पता नहीं चलता स्मगलिंग जो है हो जाती है। तो ये काफ़ी एक चिंतापूर्ण विषय फिलहाल बन चुका है भारत के लिए, और भारत का ध्यान इस पर लगातार जारी है, क्योंकि बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पर फेंसिंग का काम जो है वो लगातार चल रहा है। उम्मीद है साथियों आज का हमारा पूरा सेशन आपको पसंद आया हो। अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।